गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो पर। इस समय मैं अपने बागीचे के जस्ट बाहर, आप देख सकते हैं छोटा सा मेरा किचन गार्डन है, इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके सामने। सो गाइस इस समय मैं अपने किचन गार्डन में हूं, आराम से, जहां पे जितने भी पौधे हैं जैसे कि ये गुलाब हुआ, और ये गुलाब मैंने अभी जल्दी नर्सरी से लाया था, और नर्सरी में से लाने के बाद ये आज खिला हुआ था, तो वीडियो में कैप्चर करना तो लाजमी था क्योंकि इतना खूबसूरत दिख रहा था और कुछ मधुमक्खियाँ इस पर मंडरा रही थी। और पौधों के बाद वाटरिंग करना है क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो गर्मियों में पेड़ पौधों को तकरीबन मुझे लगता हर एक दिन गैप करके तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये मेथी थे, मेथी में पानी डालने के बाद एक आम लाया हूँ नर्सरी से ही, इसको उसने तो ये बोला है कि 12 मासी है, मतलब 12 महीने में 2 बार इस पर फल आएंगे। एक बार तो गर्मी में आते हैं, फिर एक बार देखो सर्दी में, बोला तो यही है, अब देखो क्या होता है। और ये कुछ बैंगन है गाइस, हम लोग अपने मैं तो अपने किचन गार्डन में जो हमारी गाय है उसके गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ, और ऑर्गेनिक खाद ही इन लोगों में डालता हूँ क्योंकि बाहर तो मिलने को तो मिल जाता है। लेकिन गाइस कभी भी आप ट्राई करना, अगर आपके पास खेत होगा या गमला होगा, गमले में उगा कर देखना पेड़ पौधे, उसमें उसका टेस्ट और बाजार के टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। और अब मैं जा रहा हूँ, कुछ हाइब्रिड है ये चिलीज मिर्च के पौधे हैं ये, तो इसकी निराई गुड़ाई करनी थी थोड़ी क्योंकि बहुत घास वगैरह हो जा रही हैं। तो और इन पे जो घास आती है ना, घास से बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं जिससे पेड़ों का नुकसान होता है, वो खा जाते हैं उनके नए पत्तों को और फूलों को। तो थोड़ा गर्मी में इनको पानी भी चाहिए, तो थोड़ा मेड़बंदी कर रहा हूँ ताकि पानी रुके यहाँ पे, और बाद में थोड़ा सा खाद वाद भी डाल दूँ उसमें ऑर्गेनिक, ताकि ये बढ़े। और पास में ही बगल में सारे जो गर्मियों की सब्जियाँ होती हैं सब पास में, करेली वगैरह, नेनुआ, सरपुतिया, और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में तो सरपुतिया और ये कोहड़ा ये सब। ये देखो गाइस मैंने जो गोबर की खाद, जो सड़ी हुई खाद है, वो लेकर आया अपने वहाँ जहाँ मैं बनाता हूँ, और ये सारा इसके चारों तरफ छिड़काव करूँगा, उसके बाद मिट्टी को मिला दूँगा, और आज मिला करके छोड़ दूँगा, उसके बाद कल सुबह में या शाम को, दोपहर को कभी पानी नहीं देते पेड़ों को क्योंकि वो झुलस जाएंगे। अब ये मिला करके उसके बाद कल सुबह पानी दे दूंगा ताकि जो ये खाद है वो प्रॉपरली जो है नीचे तक चले जाए, जिससे पेड़ों को, और कभी भी पेड़ के एकदम डायरेक्ट जड़ में खाद नहीं डालते क्योंकि वो हीट हो जाता है जिससे जलने का चांस होता है। और अब ये मैं मिट्टी को मिला रहा हूँ। आज घर पे ही था तो सोचा थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि मुझे ना बागवानी करना बहुत पसंद है, ये जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी। और यहाँ पे पापा मुझे बुला रहे हैं क्योंकि गाय का चारा काट के वो छोड़ दिए हैं, मैंने बोला रख तो वहीं पे, मैं अभी थोड़ी देर में दो बार मैं करके ले जा कर रख दूँगा, तब तक ये पूरा काम कर लूँ। और यहाँ पे मैंने सारी खाद वाद ये जितने भी है मैंने मिला ली है, अब इसमें बस कल पानी चला दूँगा और फिर ये तैयार। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब थोड़ी घास वास आएगी, थोड़ी निराई उड़ाई करने से ही होता है ना, नीचे रूट्स है ना उनको हवा जब जाती है तो प्रॉपरली वो ग्रो करती है। तो देखो ये चिली छोटे छोटे भी पौधे हैं, ये गर्मियों के पौधे हैं। अब मैं जा रहा हूँ बाहर किचन गार्डन से, और अब जा कर के जो पापा ने काटी है इसको कहते हैं बरसीम, और इसमें हवा चली ना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ, गाँव का तो नज़ारा ना हर तरफ खूबसूरती दिखेगी आपको। और पापा ने क्या किया था ना, एक ही बार में भर दिया था इसको, तो भारी हो गया, तो इसको मैं हाफ हाफ कर दूँगा, 2 बार में ले जाऊँगा, आराम से जाएगा, बहुत दूर नहीं हम लोगों का खेत, बस जस्ट बगल में ही है, मेरे घर के बगल में ही सामने हमारा पूरा खेत है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सहूलियत हो जाती है, किचन गार्डन हुआ चाहे खेती हुई सारी, तो बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पे सारा
50-50 कर दिया हूँ और अब इसको उठाकर जाके रख दूँगा और जो बचा हुआ है उसके बाद फिर लग करके दूसरी बार रख दूँगा, काम फिनिश हो जाएगा। गाइस ये देखो, फील करो कि कितना मज़ा आ रहा होगा, इतनी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और गर्मी के टाइम में जब हल्की हल्की हवाएं चलती ना हो, सही बताऊँ मतलब इट्स मेसमराइजिंग। और मज़ा तो आता ही है गांव में शहर की अपेक्षा। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था अब उसको नेक्स्ट राउंड इसको रखने जा रहा हूँ मैं, रखने के बाद सारा काम गाय के चारा ग्रीन ख़त्म फिनिश। अब इसको भी रख दूँगा और ये मैं चला रखने। और ये देखो मैंने इसको चारों तरफ से बांधा, ये किचन गार्डन है। और ये मैं घर पे पहुंच गया, बस पास में ही है 10 कदम पे। और बड़े पिताजी आए थे, बोले थे कि आज शाम को ट्रैक्टर निकालना है। ट्रैक्टर निकाल करके आज वो बाहर चने वने रखे हुए हैं उसको लाना है। अब चलूँ बाबू को बुलाऊँ, अब नहाएंगे हम लोग। कौन सा गेम है? हम तो जूस बनाए थे बहुत सारा। कौन सा? आग लगी थी ना, तो आग लग गई थी खेत में। पूरी आग लग गई, सब लोग भाग के गए हैं। कहाँ आग लगी? वहीं पे लग गई थी। अच्छा चलो 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 नहाने, अब तुम ले जाओ जी अपनी साइकिल। पहिया घूमेगा नहीं इसे, साइकिल तो मिट्टी में चलते तो बालू में चलते फट फट करती आवाज। चप्पल बाहर निकालो, चलो सो गाइस अब ट्रैक्टर निकाल दिया हमने बाहर। और ट्रैक्टर से जो ये जो नीचे का जो चना नहीं होता है, चना जब सूख जाता है तो उसको इस ट्रैक्टर से हम लोग घुमाते हैं तो जो वो सूखा हुआ चना होता है वो टूट करके बाहर निकल जाता है। तो अब ये ट्रैक्टर से हम लोग राउंड लगाएंगे। बाबू बोला मैं भी बैठूंगा, ये पहली बार इस ट्रैक्टर पर बैठा है। वैसे तो भाई खतरनाक, लेकिन अब कुछ बड़ा हो गया, पहले छोटा था तो इसको बहुत क्रेज़ है ट्रैक्टर पर बैठने का। तो हमने बैठा दिया आज, बोला ठीक है चलो घूम के मज़े ले लो। और उसको मज़ा भी खूब आया। सारा टाइम इतना ये क्यूरियस रहता है ना ट्रैक्टर के प्रति कि क्या बताऊँ, दिन भर ट्रैक्टर वैक्टर एकदम। हम ट्रैक्टर के सारे नाम इसको याद है, हाय सर महिंद्रा अर्जुन, देखो इसके चेहरे को कितना खुश है। तो बहुत दिन से बोल रहा था पापा पापा बैठना मुझे भी ट्रैक्टर पर, मैं भी चलाऊँगा। बोला चलाने के लिए भी बहुत छोटा है तू, चल बैठा लेता हूँ। तो आज इसको मैंने बैठाया और आज ये सारे मेरे पापा हैं, तीन लोग तीन भाई हैं लोग, उन लोगों की सही परिवार है हमारा। और वहाँ का काम सारा ख़त्म हो गया, अब हम लोग ट्रैक्टर को खड़ा करने ले जा रहे हैं उसके गैराज में। इनका मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा था तो ठीक से वीडियो नहीं बन पाया, जितनी सेकी वीडियो थी मैंने उसको काट करके निकाल दिया है। और अब हम लोग गैराज में जा रहे हैं। कुछ दूर पर बाबू को मैंने उतार दिया, बोला चलो ठीक है तुम वीडियो बनाओ। बोला तो मैं बना लूँगा, बोला अच्छा ठीक है बना लेना। तो दिया हूँ तो आधा अधूरा बनाया इसने, हाफ हाफ, कोई बात नहीं जो भी बनाया बनाया। सो गाइस अब ये ट्रैक्टर को हम लोग पैक करके अंदर खड़ा कर देंगे और आज का काम जो है फिनिश है। और बाकी फिर जो भी कुछ होगा आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस यहाँ से सारा वीडियो जितना भी है इसने बाबू ने बनाया, ये जितना आधा दिख रहा है आपको, हाथ इसके कैमरे पे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी किया इसने अभी बहुत छोटा है। तो मैंने बोला चलो जो भी है बनाना तो बना लो, कोई बात नहीं। तो अब ये ट्रैक्टर हम लोग गैराज में डाल रहे हैं। हम लोग का दो घर है, एक घर ये जो जहाँ गैराज है पुराना वाला घर है, और ये ट्रैक्टर हमारा बहुत पुराना है, तकरीबन 30 साल पुराना है, 30-32 साल। और ये गैराज में पैक करके इसको अंदर कर रहे हैं।
कभी कभी क्या होता ना, इसकी बैटरी वगैरह उतर जाती, बहुत पुराना होता, थपका उपका देख करके। गाइस आज का आज हम लोगों ने सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया, आपने देख लिया होगा ब्लॉग में, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज गया है। तो आज ट्रैक्टर निकालेंगे, और इसको भी बहुत मज़ा आया क्योंकि ये बहुत दिन से ट्रैक्टर कर रहा था, और बहुत दिन से ट्रैक्टर से भी तो कोई काम नहीं था ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर रखा ही गया था, तो आज बहुत दिन बाद ट्रैक्टर निकाला गया, तो बहुत मज़ा आया। ये भी बैठ गया, थोड़ा सा ब्लॉग मतलब वीडियो अच्छा नहीं आ पाया क्योंकि मैं ही चला रहा था, और ये अगर वीडियो बनाता तो बना नहीं पाया। अल्बाब ने यही बनाया लेकिन आप देख लेंगे वो आधा अधूरा ही है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा क्योंकि बड़ी धूप थी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।